देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि विवाह के पहले कुंडली मिलानी चाहिए और लोगों को ऐसा लगता है कि कुंडली मिलाने से विवाह सफल होगा। ये बात कितनी सही है कि कुंडली मिलाने से वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। देखिए, बालक और बालिका के मध्य यानी जिस लड़के और जिस लड़की की शादी हो रही है उनके बीच में प्रेम और तालमेल अच्छा रहे और दोनों एक साथ जीवन में आगे बढ़ें, कम से कम संघर्ष करें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट दोष और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और सबका विचार किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंडली मिलान के भी बड़े सारे तरीके हैं। सामान्यतः जो हमारे परिवारों में या सामान्यतः जो लोग कुंडली मिलाते हैं उसे अष्टकूट मिलान कहते हैं और अष्टकूट मिलान को ही लोग पर्याप्त मान लेते हैं, जबकि अष्टकूट मिलान से ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों की कुंडलियों की बारीकी से जांच की जाए। भाव मिलान भी होता है, अष्टकूट मिलान भी होता है और दोनों ही कुंडलियों की गहराई से जांच भी की जाती है। तो अगर आपको कुंडली मिलाना है तो अष्टकूट मिलान करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा दोनों की कुंडलियों को आपस में मिलाकर भी जरूर देख लेना चाहिए। कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष की बात की जाती है। क्या होता है नाड़ी दोष? हर नक्षत्र के अनुसार बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। नक्षत्र मेलापक है ना, तो बालक का जो नक्षत्र है उसकी नाड़ी और बालिका का जो नक्षत्र है उसकी नाड़ी देखी जाती है। इससे ये देखा जाता है कि लड़के और लड़की का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और संतान उत्पत्ति की स्थिति कैसी रहेगी। अगर वर और कन्या की यानी लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो तो स्वास्थ्य की समस्या और संतान की समस्या के योग बन जाते हैं। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हो और उनके चरण अलग अलग हों, या दोनों की राशियां भले ही एक हों लेकिन दोनों के नक्षत्र अलग अलग हों। ये भी देखा गया है कि लड़के और लड़की दोनों का बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष का बहुत प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। कुंडली मिलाते समय मंगल दोष का भी विचार किया जाता है कि बालक और बालिका की कुंडली में मंगल कितना महत्वपूर्ण है। कुंडली में अगर मंगल कुछ विशेष स्थानों में बैठे, कुछ खास स्थानों में बैठे तो मंगल दोष पैदा होता है। कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें स्थान में अगर मंगल हो किसी कुंडली में तो उस कुंडली को हम मांगलिक कहते हैं और उस कुंडली में मंगल दोष होता है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष हो तो दूसरे की कुंडली में भी या तो मंगल दोष हो या उस मंगल दोष का निवारण होना चाहिए। कभी कभी कुछ स्थितियों में मंगल दोष इतना खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफी ज्यादा खराब हो जाता है
और मंगल दोष अगर दोनों की कुंडलियों में मिलाया नहीं गया है तो दोनों के जीवन के लिए या विवाह चलने के लिए इससे संकट पैदा होता है। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने का तरीका यह है कि हनुमान जी की उपासना की जाए, मंगलवार का उपवास रखा जाए और सुंदर कांड का पाठ किया जाए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो कुंडली के मंगल दोष का जो निगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन सलाह यही दी जाएगी कि अगर एक आदमी की कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरे की कुंडली में जरूर देख लीजिए कि वो मंगल दोष बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आजकल लोग सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर देने लगे हैं वो है भकूट। क्या होता है भकूट? राशियों का आपसी संबंध कैसा है, लड़के की राशि का और लड़की की राशि का आपसी संबंध कैसा है और लड़के और लड़की के स्वभाव आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसको विचार जब करते हैं तो इसको भकूट कहते हैं। भकूट दोष होने पर तालमेल में काफी समस्याएं आती हैं। अगर दोनों की कुंडलियों में आपस में भकूट दोष है तो तालमेल में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर दोनों की राशियां एक दूसरे से द्विद्वादश हों, एक दूसरे से बारहवें हो, षडाष्टक यानी छठे आठवें हो या नव पंचक हो, नवे पांचवें हो, तो भकूट दोष बन जाता है। अगर लड़के और लड़की की राशियों में मित्रता हो या दोनों के स्वामी एक हो तो ये दोष भंग हो जाता है। यानी भकूट दोष के लिए आप ये देख लीजिए कि भकूट दोष कहने के पहले कहीं दोनों में ग्रह मैत्री तो नहीं है। अगर दोनों की राशियां आपस में मित्र हैं तो भकूट दोष का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। गढ़ को लेकर भी लोगों के दिमाग में बड़ी सारी मान्यताएं हैं, बड़ी सारी उलझने हैं। गण दोष कितना महत्वपूर्ण होता है? अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर तीन गण होते हैं, मानव, देव यानी देवता और राक्षस। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाता है। यानी दोनों के गण आपस में मित्र होने चाहिए। राक्षस और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा बुरा होता है। अगर लड़के का गण मानव है, लड़की का गण राक्षस है और ये शादी कराई जाए तो इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। अगर वर और कन्या के राशियों में, लड़के और लड़की की राशियों में उत्तम मित्रता हो तो गढ़ दोष भंग हो जाता है। यानी आप कुंडली मिलाते समय गढ़ दोष पर विचार जरूर करेंगे लेकिन साथ में ये जरूर देख लेंगे कि अगर दोनों की राशियों में मित्रता है, दोनों की राशियों में मित्रता की स्थिति अच्छी है तो गण दोष को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ग्रह मैत्री की बात करें और ये कुंडली में कितना महत्वपूर्ण है इसकी बात करें तो कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रह मैत्री। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए। लड़के की राशि का जो स्वामी है, जो ग्रह है,
और लड़की की स्वामी राशि का स्वामी जो ग्रह है, दोनों में अच्छी मित्रता होनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें कभी समाप्त नहीं होती। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष, योनि दोष और बाकी दोषों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, यानी ग्रह मैत्री का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी ग्रह मैत्री होने पर विवाह उत्तम होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। तो आप बाकी तमाम चीजों पर विचार करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ग्रह मैत्री पर विचार करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ग्रह मैत्री पर विचार किया जाए, ग्रह मैत्री अच्छी हो, तो कुंडली मिलान की बहुत सारी चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाती हैं। तो आप दुनिया भर के झंझटों में मत पड़िए, बाकी चीजें भी देखिए, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि 5 पॉइंट होते हैं ग्रह मैत्री के, उसमें कम से कम 4 पॉइंट अगर मिल जाएं या 5 के 5 पॉइंट अगर मिल जाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ज्योतिष किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं बना है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंस है और सबके ऊपर बराबर मात्रा में लागू होगा। लेकिन जब ज्योतिष में हम नक्षत्रों को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, तो उनके वर्ण होते हैं, जाति नहीं होती, वर्ण होते हैं। विप्रवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये राशियों के वर्ण होते हैं, व्यक्तियों के नहीं। और जब राशियों के वर्ण की बात होती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण में नाड़ी दोष ज्यादा काम करता है, बाकी में काम नहीं करता। जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां होती हैं वो जलीय राशियां होती हैं, वहां पर संतान होने में दिक्कत आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसा कह दिया गया कि ब्राह्मण वर्ण पर ये दोष ज्यादा लागू होगा, जबकि इसका संबंध किसी जाति से नहीं है, इसका संबंध राशियों के वर्ण से है। उसके वर्ण में और सामान्य जातियों में बहुत अंतर होता है। ज्योतिष किसी जाति के आधार पर काम नहीं करता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।